हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉटस्टार वेब सीरीज हेलो। इस वीडियो में आपको सीजन 1 एंड 2 का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सीजन 3 का वीडियो कल मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि उसमें ज्यादा एपिसोड्स हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कलकत्ता के एक रॉय चौधरी परिवार से, जो किसी पूजा के लिए घाट पर आए थे। वहां पर उनकी पूजा की तैयारी चल रही थी। वहां हमें पता चलता है कि उनकी बड़ी बहू का नाम है नंदिता। उनका छोटा बेटा और बहू जो फॉरेन में रहते हैं, वो भी दुर्गा पूजा के लिए यहाँ पर आए हैं। वो दोनों वहां पर पूजा की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वैसे तो ये पूजा घर के बड़े बेटे और बहू करने वाले थे, यानी कि नंदिता और उसका पति अनन्य। लेकिन अनन्य अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं था। इसलिए उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी ये पूजा कर रहे थे। नंदिता का कहना था कि आजकल अनन्य अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन अनन्य तो अपनी गर्लफ्रेंड नीना के साथ बिजी था। उन दोनों का काफी टाइम से अफेयर चल रहा है और नंदिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनन्य और नीना जब रोमांस कर रहे थे, तो अचानक नीना अनन्य की पीठ पर हेलो लिखती है लिपस्टिक से, और कुछ टाइम बाद वो उसे मिटा भी देती है। तो वही घाट पर एक आदमी नंदिता के छुप छुप कर फोटोज खींच रहा था। जब नंदिता का ध्यान उस पर जाता है तो वहां से भाग जाता है। उसने हेलमेट पहना था, इसलिए नंदिता उसका चेहरा नहीं देख पाती। जिसके बाद वो सब लोग घर आ जाते हैं। घर पर अनन्य की माँ गुस्सा कर रही थी, क्योंकि अनन्य पूजा में नहीं आया था। नंदिता की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो हमेशा नंदिता को किसी न किसी वजह से ताने देती रहती है, और उसकी ननद शीला हमेशा अपनी माँ को भड़काती रहती है। लेकिन शीला का पति बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। वो हमेशा नंदिता की साइड लेता। नंदिता फिर अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक बच्चे के टकराने की वजह से नंदिता के हाथ में जो पूजा की थाली थी, वो नीचे गिर जाती है। उसकी सास का कहना था कि ये बहुत बड़ा अपशकुन है, इसलिए वो नंदिता को ताने देने लगती है। तभी नंदिता को एक वीडियो आता है। ये वीडियो अनन्य और नीना का था, लेकिन नीना का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ अनन्य ही दिख रहा था। इससे नंदिता समझ जाती है कि अनन्य का अफेयर चल रहा है। वो जाकर अनन्य से लड़ने लगती है। उनकी आवाज से सुनकर उसकी सास और ननंद भी बाहर आ जाती है। उनका कहना था कि नंदिता हमेशा अनन्य को तंग करती रहती है। उनका बेटा रात भर काम करके आया है और नंदिता उसे तंग कर रही है। लेकिन अनन्य और नंदिता दोनों ही ये सोच रहे थे कि ये वीडियो किसने भेजा होगा। अनन्य ये सारी बातें नीना को बताता है, और नीना उसे कहती है कि शायद उन दोनों पर कोई नजर रख रहा होगा, इसलिए उन दोनों को संभल कर रहना पड़ेगा। तो वही पूजा का मुहूर्त नजदीक आ रहा था और नंदिता रोई जा रही थी। घर की छोटी बहू प्रेरणा उसे संभालने की कोशिश करती है। वो नंदिता से कहती है कि उसे अनन्य को माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन नंदिता की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वही मौके का फायदा उठाकर फिर से अनन्य नीना के पास चला जाता है। नीना उसे कहती है कि शायद नंदिता ने उनके ऊपर जासूस रखा है, जो उसे फोटोज या वीडियोज भेज रहा होगा। अनन्य को उसकी बात समझ में नहीं आती। उसे ये टेंशन था कि अब नंदिता को उसके बारे में पता चल गया है तो वो उसे कैसे मनाएगा। लेकिन नीना कहती है कि अगर नंदिता को पता चला ही है तो वो उसे डिवोर्स दे दे। तो वही पूजा के बाद नंदिता घर वालों के ताने सुनकर सबको बता देती है कि अनन्य का बाहर अफेयर चल रहा है। लेकिन ये बात सुनकर भी अनन्य की माँ नंदिता को ही ताने देने लगती है। नंदिता और परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कुछ टाइम बाद एक बाइकर वहां पर आता है और नंदिता के लिए गुलदस्ता और रिंग देकर जाता है। ये रिंग डायमंड रिंग थी, और सबको यही लगता है कि अनन्य नंदिता को मनाने के लिए यह सब कुछ कर रहा होगा। वो रिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली थी और वो नंदिता के साइज की नहीं थी, लेकिन नंदिता को वो रिंग जानी पहचानी से लग रही थी। तभी वहां पर अनन्य आता है, और जब उसे ये सब कुछ पता चलता है तो वो नंदिता पर डाउट लेने लगता है कि नंदिता का जरूर कोई अफेयर चल रहा होगा, और उसके लवर ने ही उसके लिए ये सब कुछ भेजा है। नंदिता कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी उसे एक और वीडियो आता है। ये वीडियो भी अनन्य और नीना का ही था, जिसे देखकर नंदिता को और बुरा लगता है। लेकिन नंदिता को पता करना था कि ये सब मैसेजेस कौन भेज रहा है। इसके लिए वो अपर्णा के एक फ्रेंड की मदद लेती है, जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। वो उसे बता देता है कि ये नंबर किसी डेबोली शोम नाम के आदमी का है, लेकिन नंदिता ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानती थी। लेकिन अपर्णा कहती है कि शायद ये आदमी नंदिता का वेलविशर होगा। लेकिन नंदिता अभी भी कंफ्यूज थी। तो वही अनन्य घर पर फ्रेंड्स के साथ जा रहा हुआ ऐसा झूठ बोलकर फिर से नीना के साथ घूमने चला जाता है। तभी नंदिता को फिर से एक मैसेज आता है
जिससे उसे पता चलता है कि अनन्या नीना के साथ एक मंदिर गया है, इसलिए वो भी घर वालों के साथ मंदिर जाती है ताकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ सके। लेकिन मंदिर में जाने पर अनन्या नंदिता को देख लेता है और छुप जाता है। नंदिता नीना के साथ ही होती है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। ये देखकर अनन्या को अच्छा लगता है कि वो बच गया। लेकिन नंदिता को पूरा यकीन था कि अनन्या वहां पर आया था। घर आने पर वो सबके सामने अनन्या से फिर से झगड़ा करती है, लेकिन अनन्या झूठ बोलता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही था। नंदिता घर वालों को अनन्या और नीना का वीडियो दिखाने वाली थी कि परना उसे रोक लेती है। परना का कहना था कि सबसे पहले वो नीना और डेबोलिना शोम के बारे में पता लगाए, तभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नंदिता को भी उसकी बात समझ आती है और वो घर वालों को कुछ भी नहीं बताती। अब शाम को एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जहाँ पर घर के सारे आदमी म्यूजिक बजा रहे थे और औरतें उस पर डांस कर रही थी। नीना भी चाहती थी कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन अनन्या उसे मना कर देता है। फिर भी नीना उसके घर पर आती है। नंदिता की नजर उस पर पड़ती है लेकिन नीना वहां से गायब हो जाती है। लेकिन नंदिता को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। तभी अनन्या का बेटा जब उसका हाथ देखता है तो उसके हाथ पर आई लव यू लिखा था। नंदिता सारे मैसेजेस को कनेक्ट करने लगती है। पहले जो उसे मैसेज आया था उसमें हेलो लिखा था, दूसरे मैसेज में रिमेम्बर मी, तीसरे में था आई नीड यू, और ये फोर्थ मैसेज है जिसमें लिखा था आई लव यू। नंदिता को लग रहा था कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन नंदिता कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अनन्या के हाथ पर आई लव यू लिखा हुआ देखकर सबको समझ आ गया था कि अनन्या का सच में अफेयर चल रहा है। अनन्या की माँ उसको जब इस बारे में पूछती है तब अनन्या कहता है कि अफेयर उसका नहीं बल्कि नंदिता का चल रहा है, देवोली शोम नाम के आदमी के साथ। ये बात सुनकर नंदिता की सास और ननंद उसे ताने देने लगते हैं। तभी अनन्या को नीना का कॉल आता है। नीना उसे बताती है कि आज वो उसके घर पर आई थी और उसने नंदिता को देखा। वो उससे पूछती है कि नंदिता इतनी ज्यादा खूबसूरत है फिर भी वो उसके साथ अफेयर क्यों कर रहा है, लेकिन अनन्या इसका कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन अनन्या को नीना की ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। रात को जब अनन्या नीना के साथ बात कर रहा था तभी वहां पर नंदिता आती है और नीना से बात करने लगती है। अनन्या ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि नीना और नंदिता पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो वही नंदिता को लग रहा था कि नीना और देवल शोम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अनन्या फिर से नीना को मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। तब नीना नंदिता की तरह लुक करके उसके सामने आ जाती है। दोनों रोमांस करते हैं और नीना चाहती है कि अनन्या अब नंदिता को डिवोर्स दे दे। तभी नंदिता को फिर से एक मैसेज आता है और वो समझ जाती है कि अनन्या और नीना अभी भी साथ है। नंदिता इस बार उस मैसेज को रिप्लाई करती है, जिसके बाद वो आदमी नंदिता को मिलने के लिए बुलाता है और नंदिता भी मान जाती है। जब सब लोग सिंदूर खेल रहे थे तो अनन्या नंदिता से डिवोर्स मांगता है, लेकिन नंदिता डिवोर्स देने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद सभी घर वाले दुर्गा विसर्जन के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन नंदिता पेट दर्द का बहाना करके घर में ही रुक जाती है। सबके जाने पर वो देवोलीना शाम से मिलने के लिए पब जाती है, लेकिन वहां पर उसे नीना दिखाई देती है। नंदिता नीना को टैटू की वजह से पहचान लेती है क्योंकि उसने ये सब कुछ वीडियो में देखा था। नीना बिल्कुल नंदिता की तरह ही तैयार होकर आई थी। ये देखकर नंदिता को लगता है कि शायद अनन्या और नीना ने शादी कर ली। ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट करती है, लेकिन नंदिता का पीछा करते हुए अनन्या भी वहां पर आया था। वो नीना को नहीं देख पाता, लेकिन नंदिता को वहां देखकर उसे लगता है कि वो अपने लवर से मिलने आई होगी। नंदिता उसे बता देती है कि उसे नीना ने बुलाया था। अनन्या जब इस बारे में नीना से बात करता है तो वो बताती है कि वो नंदिता से मिलने वहां पर नहीं आई थी। अनन्या को नंदिता पर ही डाउट होने लगता है, तो नंदिता को कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे आई नीड यू। अनन्या नंदिता से बहुत गुस्सा था इसलिए वो थप्पड़ मारकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और नीना को कॉल करके बता देता है कि उसने नंदिता को घर से निकाल दिया है। ये सुनकर नीना कहीं के लिए चली जाती है, तो वही नंदिता भी आगे जाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और नीना उसे बचाकर अपने घर लेकर आती है। जब नंदिता को होश आता है तो नीना उसे बता देती है कि उसका असली नाम नीना नहीं बल्कि देबोलीना शोम है और वो नंदिता की बचपन की दोस्त है। एक्चुअली वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स थे और नीना नंदिता से प्यार करती थी, लेकिन अचानक उसके पापा की ट्रांसफर हो गई और वो नीना को लेकर दिल्ली शिफ्ट हो गए। नंदिता को भी सब कुछ याद आने लगता है। तभी अनन्या डोरबेल बजाता है तो नीना दरवाजा खोलती है। एक्चुअली अनन्या उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। अब उसे लगता है कि नीना और नंदिता का लेस्बियन रिलेशनशिप चल रहा है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था
लेकिन नीना उसे अंदर आने नहीं देती, जिसके बाद वो नंदिता को बुरा भला कहने लगता है। नीना उसे डांटती है कि वो नंदिता के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगी। नंदिता भी ये सब कुछ सुन लेती है और दूसरे रास्ते से घर के बाहर चली जाती है। अनन्या घर के अंदर आता है और उसका और नीना का झगड़ा हो जाता है, जिसमें वो नीना को धक्का देता है और उसका सर जोर से दीवार पर जाकर टकराता है, जिससे नीना की मौत हो जाती है। अनन्या नीना की लाश को लॉफ्ट में छुपाता है और खून के दाग साफ करके वहां से निकलता है। तो वही नंदिता भी अपने बचपन को याद करते हुए घर जा रही थी। तो वही नंदिता का देवर और उसकी वाइफ वरना वापस अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट चले जाते हैं। नंदिता भी अपने घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी सास उसे घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। उसका कहना था कि अगर अनन्या नंदिता को माफ करेगा तो ही नंदिता उनके साथ उनके घर में रह सकती है। तभी वहां पर अनन्या भी आता है और कहता है कि वो ऐसी कैरेक्टरलेस औरत के साथ नहीं रह सकता। नंदिता उसे माफी मांगती है, लेकिन अनन्या उसकी बात सुन नहीं रहा था। तभी अनन्या को कोई एक फोटो भेजता है जिसमें नीना की लॉफ्ट थी और उसके ऊपर खून से हेलो लिखा था। ये देखकर अनन्या बहुत डर जाता है और नीना के घर चला जाता है, लेकिन घर जाने पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था और नीना की लाश भी लॉफ्ट में ही थी। तभी नीना के दोस्त बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि अनन्या की गाड़ी भी बाहर है। वो काफी देर तक उन दोनों को आवाज देते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनन्या पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी गाड़ी चोरी होने की झूठी कंप्लेंट प्लेस कर देता है, जिसके बाद अनन्या अपने घर जाता है। और जब वो अपने रूम में जा रहा था तो रूम के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसे लगता है कि नीना और नंदिता साथ है, इसलिए वो घर वालों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन रूम के अंदर कोई भी नहीं था। नंदिता उसे समझाती है कि भले नीना लेस्बियन हो, लेकिन वो नहीं है, और वैसे भी नीना का रिलेशन अनन्या के साथ था, नंदिता के साथ नहीं, इसलिए वो उन दोनों पर शक करना बंद करे। लेकिन अनन्या उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नंदिता कहती है कि ये सब कुछ भूलकर उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अनन्या बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो जब नहाने जाता है तो नंदिता उसके रूमाल पर बहुत ज्यादा खून देखती है। वो अनन्या से पूछती है कि उसके जाने के बाद उसके और नीना के बीच में क्या हुआ। तो अनन्या झूठ बोलता है कि ये खून उसी का है, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और ये सब खून लग गया। तभी उसके मोबाइल पर लायर लायर करके मैसेजेस आने लगते हैं। अनन्या को लग रहा था कि नीना यही कही है और वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नीना कहीं पर भी नहीं मिलती। अगले दिन उनके घर में पुलिस आ जाते हैं और नंदिता उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। बोकलाहट में वो बोल देती है कि रूमाल पे जो खून लगा है वो अनन्या का है, लेकिन पुलिस को इस बात पर थोड़ा सा डाउट आता है। एक्चुअली पुलिस यहाँ पर कार के बारे में बताने के लिए आई थी। अनन्या की कार पुलिस वालों को जहाँ पर अनन्या ने बताया था उससे काफी ज्यादा दूर मलिक बाजार में मिली थी, और उस कार में कुछ लिखा था जिसे ये लग रहा था कि कार कभी चोरी हुई नहीं थी। अनन्या जब कार लेने जाता है तो वो देखता है कि पीछे के सीट पर लिपस्टिक से कुछ लिखा था। इससे अनन्या और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ऐसी आदत सिर्फ नीना को ही थी। अनन्या को लगता है कि नीना के मौत के बारे में किसी को पता चल गया है और वो जानबूझकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो जब गाड़ी लेके घर वापस आ रहा था तो उसे बैक सीट पर नीना दिखाई देती है और इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अनन्या को ढूंढने के लिए नंदिता शीला को लेकर नीना के घर जाती है, लेकिन घर बंद था इसलिए वो बाहर से ही वापस आ जाते हैं। अनन्या के पास शीला का पति संजय आता है, जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अनन्या को छोटी मोटी चोट लगी थी, जिसके बाद वो उसे घर लेकर आता है। नंदिता उसे बताती है कि वो नीना के घर गई थी। ये बात से अनन्या उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और नंदिता को ये बात काफी अजीब लगती है। जिसके बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो वहां पर उसे नीना की लिपस्टिक दिखाई देती है। अनन्या ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर से नीना के घर जाने लगता है। नंदिता भी उसका पीछा कर रही थी। अनन्या जब नीना के घर पहुंचता है तो उसकी केयर टेकर वहां पर आई थी। वो लॉफ्ट चेक करता है तो नीना की लाश वहां पर नहीं थी। नंदिता भी वहां पर आती है और अनन्या उसे डर के मारे सब कुछ बता देता है, लेकिन नंदिता अनन्या से कहती है कि नीना शायद मरी ही नहीं होगी, क्योंकि अगर उसकी डेथ हुई होती तो वो लॉफ्ट से कैसे गायब होती। वो कहती है कि शायद नीना अनन्या से बदला लेना चाहती है, इसलिए वो उसे इस तरह से डरा रही है। अनन्या का मूड ठीक करने के लिए नंदिता उसे लेकर लेक के पास जाती है। यहाँ पर वो अक्सर आया करते थे, लेकिन अनन्या यहाँ पर नीना के साथ भी आया था, इसलिए उसे नीना ही याद आ रही थी। नंदिता उसे समझाती है कि वो नीना को भूलने की कोशिश करे, लेकिन थोड़ी देर बाद अनन्या को फिर एक वीडियो आता है जहाँ पर लेक के पास लिखा था आई एम हियर, यानी कि जब वो दोनों वहां थे
वहां पर कोई और भी था जो उन पर नजर रख रहा था। अनन्या अब और ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन उनके घर पर पुलिस आती है, जिनका कहना था कि नीना के फ्रेंड्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी है और पुलिस वालों को एक लाश मिली थी जिसकी पहचान के लिए वो अनन्या को लेने आए थे। ये बात सुनकर अनन्या इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। नंदिता उसे समझाती है कि शायद वो लाश नीना की होगी ही नहीं, लेकिन अनन्या बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो नंदिता से कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो खून का इल्जाम वो खुद पर ले। वो पुलिस से कहे कि जब वो नीना के घर आई थी तो नीना ने उसे मारने की कोशिश की थी और सेल्फ डिफेंस में नंदिता ने उसे धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन नंदिता ऐसा कुछ भी नहीं करती और वो पुलिस को बताती है कि वो लाश पहचानने के लिए नहीं आने वाले। वो कहती है कि नीना की पीठ पर एक टैटू है जिसे देखकर उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो लाश नीना की है या नहीं। पुलिस वाले जब जाकर चेक करते हैं तो वो लाश नीना की नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक नीना मिल नहीं जाती अनन्या भी शक के घेरे में रहेगा और पुलिस वालों की उन पर हमेशा नजर बनी रहेगी। अनन्या ये सुनकर और ज्यादा डर जाता है। अगले दिन लक्ष्मी पूजन था, इसलिए नंदिता अपनी बेटी को लेकर मूर्ति लाने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास पैसे ज्यादा नहीं थे इसलिए वो सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे करके ही वापस आ जाती है। लेकिन अगले दिन कोई लक्ष्मी की मूर्ति वहां पर लेकर आता है। उसका पूरा पेमेंट किसी ने कर दिया था और उसके साथ एक चिट्ठी भी आई थी जिस पर लिखा था, लक्ष्मी की मूर्ति दे रही हूँ लेकिन तुम्हारे घर की लक्ष्मी लेकर जाऊंगी। अनन्या को लगता है कि कोई उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। घर पर सब लोग पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं, तभी रंगोली में लक्ष्मी के बैल जो घर के अंदर आने चाहिए थे वो बाहर की तरफ जा रहे थे। नंदिता की सास जब ये देखती है तो वो कहने लगती है कि ये बहुत बड़ा अपशकुन है और वो नंदिता को ही डांटने लगती है। लेकिन नंदिता अब चुप नहीं रहती और वो अनन्या के बारे में सब कुछ घर वालों को बता देती है कि किस तरह अनन्या ने नीना को मारा था और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन अनन्या अपनी गलती मान ही नहीं रहा था, उल्टा वो नंदिता को ही बुरा भला कह रहा था। तब नंदिता उसे बताती है कि नीना मरी नहीं है, उसे नंदिता ने उस दिन बचाया था। जब नंदिता नीना के घर से निकली थी, थोड़ी देर बाद वो फिर से नीना के घर पर गई। वो नीना को समझाना चाहती थी कि उसका घर बर्बाद ना करे। घर जाने पर उसे पता चला कि अनन्या ने नीना को मार दिया है। ये देखकर उसने परना को कॉल किया। परना एयरपोर्ट पर ही थी इसलिए वो नीना के घर आ गई। उन दोनों ने मिलकर नीना को लॉफ्ट में से बाहर निकाला। उसकी हार्ट बीट चल रही थी तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। नीना की कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस थी। परना चाहती है कि नंदिता पुलिस वालों को सब कुछ सच बता दे, लेकिन नंदिता को लग रहा था कि अनन्या नीना से प्यार करता होगा, गुस्से में उसे ये सब कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब वो घर आई तो उसे पता चला कि अनन्या नीना से भी प्यार नहीं करता। उसे नीना को मारने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, इसलिए उन्होंने अनन्या को डराना स्टार्ट कर दिया ताकि वो अपना गुनाह कबूल करे। उसे जो ब्लैकमेलिंग के मैसेजेस आ रहे थे वो परना ने ही किए थे। परना अपने पति के साथ नहीं गई थी बल्कि वो यहीं पर थी, तभी वहां पर परना भी आ जाती है और उनकी मदद शीला के पति संजय ने भी की थी। संजय ने ही अनन्या की गाड़ी को मलिक बाजार में छोड़ा था और उसकी बैक सीट पर लिपस्टिक से यह सब कुछ लिखा था। लेकिन अनन्या कहता है कि उसे अब तो सजा हो ही नहीं सकती क्योंकि नीना जिंदा है। लेकिन नंदिता कहती है कि उसे सजा होनी चाहिए। तब वो नीना को बुलाती है तो नीना पैरालाइज हो गई थी। नंदिता सबसे कहती है कि उसने इस घर के लिए सब कुछ किया, अपने आप को भूल कर हमेशा घर वालों के बारे में सोचती रही, लेकिन फिर भी उसे सास और पति का प्यार कभी भी नहीं मिला, बस हमेशा उसे ताने ही मिल रहे थे, इसलिए अब वो इस घर में नहीं रुक सकती। लेकिन अभी भी उसकी सास और ननद उसे ही ताने दे रहे थे। अनन्या नंदिता को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नंदिता अब नहीं रुकती। वो नीना को लेकर वहां से जाने लगती है। जाते वक्त नीना अनन्या की तरफ देखकर एक डेविल वाली स्माइल देती है और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। इसका सीजन 3 आ चुका है और कल आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।